नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, स्केचअप ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रेस टूल एंड ऑफसेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मान लो मैं एक रूम बना रहा हूँ 10x10 फीट का। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने डाला 10 फिट 10 फिट कॉमा 10 फिट। ओके, तो मेरे 10 फिट x10 फिट का एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। अब मैं इसके अंदर वॉल बनाना चाहता हूँ जो मेरी 9 इंचीज की है। एमएम में बात करूँ 230 mm की है, अगर इंचीज में बात करूँ तो 9 इंचीज की वॉल मैं इस पे बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑफसेट का। मैं यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करूंगा। ऑफसेट मेरा क्या करता है, जैसे सरफेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ऑफसेट लेता है। अंडू किया, जैसे ऑफसेट कितना ऑफसेट चाहिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे को 9 इंच का ऑफसेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच डाला एंड एंटर, तो मेरा 9 इंच का ऑफसेट अंदर की साइड आ गया। बट अगर मैं इसको बाहर की तरफ डालता हूँ 9 इंच, तो मेरा 9 इंच बाहर की तरफ आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 9 इंच आपको अंदर डालना है या 9 इंच आपको बाहर की तरफ ऑफसेट चाहिए। किसी भी एज को क्लिक करें, आप यहाँ पे एज पे क्लिक कर सकते हैं, 9 इंच आप लें एंटर, तो आपका देखो 9 इंच का ऑफसेट आ गया। ऐसे आप ऑफसेट ले सकते हैं। और ऑफसेट लेने के बाद अगर आपको वॉल को अगर आपको एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है पुश एंड पुल का। एंड पुश एंड पुल पे क्लिक करें, आप सिंपली ये सरफेस सिलेक्ट करें एंड हाइट दें, आपको तो चाहिए 10 फिट 10 फिट, आप ऑफसेट डालें एंटर, तो आपका 10 फिट का यहाँ पे ऑफसेट आ जाएगा, 10 फिट ये आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी एक रेक्टेंगल है, अगर उसे आप एक्सट्रूड करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, ऑटोकैड में हम इसे एक्सट्रूड बोलते हैं, रेविट में भी एक्सट्रूड बोलते हैं, 3ds मैक्स में भी हम इसे एक्सट्रूड बोलते हैं, तो आप इसे ऑटोकैड में हम इसे एक्सट्रूड भी और पुश एंड पुल की हेल्प से भी आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आप इसे क्लिक करके आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आपको 3D चाहिए। इस तरीके से ऑफसेट की हेल्प से हमने क्या किया, मान लो मेरे को यहाँ पे ऑफसेट चाहिए, तो ऑफसेट पे क्लिक करो, एज पे क्लिक करो और आपको कितना ऑफसेट चाहिए आप यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप पुश एंड पुल की हेल्प से मिडल पोर्शन को भी बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और अगर आप ऑफसेट यहाँ पे अंदर की तरफ लेते हैं तो आप अंदर वाले पोर्शन को भी बाहर की तरफ यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप अंदर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करें, पुश एंड पुल को सिलेक्ट करें और आप ऐसे कुछ इस तरीके से डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी फेस को आप सिलेक्ट करके पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, किसी भी फेस को कितना चाहिए आप डायमेंशन डाल सकते हैं, एंटर करें, उतने ही डायमेंशन आपकी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। ऐसे ही करके आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सबसे मेन टूल होता है हमारा किसी भी ड्रॉइंग को बनाने के लिए, मान लो हमें एक रूम बनाना है और उसके अंदर मेरे को वॉल्स बनानी है, डोर बनानी है, विंडो बनानी है, अभी विदाउट एनी डायमेंशन बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रूम लिया, मैंने 10 फिट यहाँ पे मैंने 10 फिट कॉमा 10 फिट मैंने डाला यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफसेट लिया, आप यहाँ पे ऑफसेट ले सकते हो 9 इंच का, ये मैंने ऑफसेट लिया। और उसके बाद आप पुश एंड पुल कर सकते हो इसे, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है नहीं सिलेक्ट हो रहा है, एग्जिट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपका नहीं सिलेक्ट हो रहा है, आप पुश एंड पुल पे हो, कभी आपका कुछ और सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप एग्जिट करके उस पोर्शन पे आ सकते हैं, 10 फिट पे आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे आप रेक्टेंगल की हेल्प से एक अपना रूम का डिजाइन रेडी कर सकते हैं, एक अपना डोर रेडी कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डोर चाहिए और यहाँ पे मुझे विंडो चाहिए। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कैसे करना है आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। ये करने के बाद आप यहां से पुश एंड पुल लें और यहां पे क्लिक करके और आप पीछे वाले सरफेस पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो होल कर दे। आप इस पे क्लिक करें, पीछे वाले सरफेस पे आप ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं कि इस वाले सरफेस तक आपको चाहिए ताकि वो होल कर दे। अगर आपका देखो ये होल नहीं किया, वॉल ने होल किया, इसने होल नहीं किया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें, पीछे जाएं और आप डाल दें आपका 9 इंचेस एंटर, तो 9 इंचेस तक वो होल्ड कर देगा। वन सेकेंड इस पे क्लिक करो, ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप इस पे क्लिक करें, जैसे आप पीछे वाले पे क्लिक करोगे
तो इस तरीके से आपका वो होल कर देगा, क्योंकि वो वॉल से बिल्कुल अटैच था इसलिए वो नहीं कर रहा था। मैं आप प्रॉपरली आपको करके बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मान लो मैंने 20 फिट बाय 20 फिट का एक रेक्टेंगल लिया, 20 फिट 20 फिट कॉमा 20 फिट, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑफसेट लेता हूँ 9 इंचेस का, ओके। उसके बाद इस ऑफसेट को मैं अब देखो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एस्केप करें, अब इसको सिलेक्ट करें, 10 फिट का आप ऑफसेट लें यहां से कुछ इस तरीके से। मेजरमेंट के साथ आपको वॉल कैसे बनानी है, आपको डोर कैसे बनाने हैं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं क्लियर करूंगा उस चीज को। आप यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल ले सकते हैं और आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर डोर आपने डोर के लिए रेक्टेंगल बनाया और फॉर विंडो आपने विंडो के लिए एक ये रेक्टेंगल बनाया, क्लियर है। अब आप पुश एंड पुल ले सकते हैं, इसको क्लिक करें, यहीं से भी स्नैप कर जाएगा आपका पीछे वाला फेस। आपको दिखा रहा है यहाँ पे ऑफसेट लिमिट 2-9 इंचेस, आप क्लिक करें वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका होल हो चुका है। अगर आप इससे ज्यादा चले जाते हैं तो वो एक्सट्रूड कर देगा, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस चीज के लिए। आपको करना है क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, या तो यहीं से स्नैप करेगा आपके पीछे वाले फेस को, ऑन फेस आपको दिखाएगा स्नैप करेगा, या फिर ऊपर वाले फेस पे जाके आप इस वॉल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो ऐसे कट कर दे। बट अगर ऐसे ना हो तो अगर आपको थिकनेस पता है कि आपने कितने का यहाँ पे ऑफसेट लिया था, आप डायरेक्टली डाल दें कि 9 इंच मैंने लिया था, तो 9 इंच पे आप कर सकते हैं एंटर, तो 9 इंच पे जाके वो आपके डोर एंड विंडो को यहाँ पे कट कर देगा, क्लियर है। तो ऐसे करके आप किसी भी चीज का यहाँ पे ऑफसेट ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे सर्कल है, मान लो आपने एक सर्कल लिया यहाँ पे, अब इसका आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, मैंने कंट्रोल प्रेस करके प्लस किया ताकि स्मूथ हो जाए, ऑफसेट लिया, और अब आप ऑफसेट ले सकते हैं जितने का भी ऑफसेट चाहिए। इसका भी आप ऑफसेट ले सकते हैं, इसका भी ऑफसेट ले सकते हैं, इसका भी ऑफसेट ले सकते हैं यहाँ से कि जितना भी आपको ऑफसेट चाहिए। किसी भी फेस का आप इंटरनली ऑफसेट यहाँ पे ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप आपको एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड कमांड ले, इसको इतना एक्सट्रूड करना है, मान लो आपने इसको और एक्सट्रूड किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको इतना एक्सट्रूड किया, इसको इतना एक्सट्रूड किया, तो ऐसे करके आप जितना भी चाहें आप इस चीज को एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। किसी भी फेस को आप एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ ऐसे, कोई भी फेस को आप सिलेक्ट करें एक्सट्रूड कर दें, कितनी आपको थिकनेस चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दें, इसकी हाइट ओनली इंक्रीज करनी है आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी फेस को आप सिलेक्ट करें, सिर्फ आप ड्रैग करें, आपका वो फेस एक्सट्रूड हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो पुश एंड पुल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कंप्लीट स्केचअप के अंदर। किसी भी फेस को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे पुश एंड पुल कर सकते हैं, कोई भी शेप आप यहाँ पे बनाएंगे। मान लो आपने 3 पॉइंट यहाँ पे आपने यहाँ लिया 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आर्क लिया, ये फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, और आपने 3 पॉइंट लिया या फिर 2 पॉइंट में लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड 2 पॉइंट, और मैंने इसको लाइन की हेल्प से क्लोज कर दिया कुछ ऐसे, क्लियर है। अब मैंने इसका यहां से ऑफसेट लिया कुछ ऐसे। अब मैं ये डिजाइन बनाना चाहता हूं तो आप इस वाले फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं, तो इस तरीके का डिजाइन आपके आपकी वॉल पे आ जाएगा। यही डिजाइन अगर आप वॉल के ऊपर देना चाहते हैं तो वॉल के ऊपर ये डिजाइन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लाइन लिया और यहां से मैंने लाइन की हेल्प से एक डिजाइन ये बनाया, ये मैंने डिजाइन बनाया, ये मैंने आर्क ली यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे आर्क को डिजाइन किया, इस वाले फेस को मैंने डिलीट किया, इस वाले फेस को डिलीट किया, और यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद इस ऑफसेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, एस्केप करो, अब इसको सिलेक्ट करो आगे की तरफ, अंदर वाले फेस को थोड़ा अंदर की तरफ मैंने किया, तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कुछ ऐसे। जो मैं एक्सटेंड किया मैंने यहाँ पे
कुछ ये आपका देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। ऑफसेट आप यहाँ पे वॉल का भी, यहाँ पे डोर का भी ले सकते हो, कि अगर आपने यहाँ पे ऑफसेट लिया, देखो यहाँ पे ऑफसेट अगर आप लेते हो, देखो कुछ इस तरीके से ऑफसेट आएगा। मान लो आपने ये ऑफसेट लिया, बट कंप्लीट बाउंड्री का ऑफसेट आ गया, कोई बात नहीं, लाइन लो, यहां से इसको क्लोज कर दो, लाइन लेके यहां से क्लोज कर दो। अब क्लोज करने के बाद आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, पुशन पुल लो, एस्केप करो और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दो, ये आपका कंप्लीट एक फ्रेम नजर आएगा आपका डोर का। सेम विंडो के लिए कर सकते हो, विंडो पे जाओ, ऑफसेट लो, आप विंडो के लिए भी ऑफसेट लोगे तो इस तरीके से ऑफसेट आएगा, बट अगर ऐसे नहीं चाहते तो विंडो के लिए भी पहले पुश एंड पुल करने से पहले आप उस चीज को ऑफसेट ले सकते थे, ताकि इस तरीके के आपका यहाँ पे चीजें आ जाए, क्लियर है। ऐसे ही आप इस पोर्शन को एक्सट्रूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पुश पुल लें, एस्केप करें, इसको सिलेक्ट करें और हल्का सा आगे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन नजर आए कुछ ऐसे, अगर आप चाहते हो। तो ये जो पुश पुल है और ऑफसेट है, बहुत काम आने वाली चीज है। कोई भी आप डिजाइन क्रिएट करते हो, सर्कल यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे बनाया आपने सर्कल, ऑफसेट लिया, इसको सिलेक्ट किया, कोई भी आपने यहाँ पे पोर्शन बनाया, आपने लाइन ली, एक बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हो, कि मैंने इसको यहाँ पे डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, ये पोर्शन मेरा बन गया, अब आप इसको यहां से एक्सट्रूड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो ऐसे करके आप पुश पुल एंड ऑफसेट को यूज कर सकते हो, अपने होम प्लान बना सकते हो, ऑटो कैड टाइप से प्लान बना सकते हो, अपने वॉल्स को खड़े कर सकते हो, आप डोर्स बना सकते हो, आप विंडोज बना सकते हो, इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लियर दोस्तों। तो ये था पुश पुल एंड ऑफसेट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि मूव, रोटेट एंड कॉपी आप कैसे कर सकते हो एंड स्केल आप कैसे कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।